आज हमने यहाँ ये ग्लोबल इवेंट अरेंज किया, ये हमारा दूसरा अवार्ड फंक्शन है। हमारे इसको बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग चाहते थे कि पहले हमारी बाइंग एजेंसी एक्सपोर्टर्स आपस में मिले, क्योंकि हम लोग हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से दो बड़े फेयर करते हैं जो अक्टूबर में फेयर होने वाला है। ये प्री इवेंट मीटिंग थी, हम लोग चाहते थे कि जितने भी हमारे यहाँ लोग पार्टिसिपेंट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ 3 से 4 हज़ार ऑल ओवर वर्ल्ड से बायर्स आते हैं और आप सभी बाइंग एजेंसी उन सभी बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मकसद था कि हम लोग ये सबको जानकारी दिलाएं कि बायर्स को क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए। होता ही है कि कई बार हम लोग अपने प्रोडक्ट लगा लेते हैं और बायर्स आते हैं, उनको वो प्रोडक्ट मिलते नहीं हैं। तो हमारा ये लक्ष्य था कि हम अपने EPCH के फेयर को और सफल बनाएं, इसलिए हमने यह इवेंट रखा। ये हमारा उद्देश्य था, जो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे तक चला, काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है, क्योंकि हमारे सभी एक्सपोर्टर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। लगभग 150 एक्सपोर्टर्स यहाँ हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाइंग एजेंसी एसोसिएशन श्री विशाल ढींगरा जी का और संदीप जैन जी का, क्योंकि उन्होंने हमें बल दिया, तो उनके माध्यम से ही हम लोग अपने कार्यक्रम सफल करते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा BA एक ऐसी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को बिजनेस देती है, क्योंकि हमें अगर हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड नहीं है तो वो चल नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में अगर धंधा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। तो ये हमारे रक्त को खून को चलाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अभी ABA का। हम लोग देखिए, हमारी संस्था हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन 2 साल पुरानी संस्था है और हमारा आज स्थापना दिवस भी है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले शुरू करा था, इसलिए शुरू करा था कि हम लोग एक कड़ी बन सकें, ब्रिज बन सकें सरकार के बीच, डिपार्टमेंट के बीच, काउंसिल के बीच, जो हमारे एक्सपोर्टर्स की परेशानी होती है छोटी छोटी, डिपार्टमेंट के साथ या कस्टम के साथ, DGFT के साथ, हम अपनी काउंसिल के माध्यम से, क्योंकि काउंसिल बहुत बड़ी होती है, काउंसिल छोटी छोटी समस्याओं को इंडिविजुअली कई बार नहीं देख पाती है, तो हम उनकी ब्रांचेस का काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी एक्सपोर्टर्स को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। एक्सपोर्टर्स के जो इश्यूज होते हैं हम सरकार तक पहुँचाते हैं, तो सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं हम चाहते हैं आप लोगों तक आसान करके हम लोग देना चाहते हैं। ये है हमारा लक्ष्य। इसके अलावा हमारा एक और लक्ष्य है कि हम लोग जो भी इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, हम चाहते हैं कुछ जानकारियाँ नहीं मिल पाती हमारे निर्यातकों को, वो समय से जानकारियाँ मिलती रहें, क्योंकि काउंसिल 16 काउंसिल है, हर एक की एग्जीबिशंस होती हैं, कुछ प्राइवेट फेयर्स भी होते हैं, तो हम उन सब फेयर से कोऑर्डिनेट करके अपने एक्सपोर्टर्स को ये जानकारी देते हैं कौन सा फेयर आपके लिए अच्छा है, कौन सा फेयर इकोनॉमिकल है, कहाँ आपकी प्रोडक्ट की जो ज़्यादा ज़रूरत है उसे आप वहाँ जाके बेच सकते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य होता है। हमारे देखिए, हम लोग एक EPCH का पार्ट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हमारा एक वटवृक्ष EPCH है, हम उसकी ब्रांचेज हैं। हम लोगों ने 45 वर्ष EPCH से जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा ऐसा लगा कि EPCH हमारा एक गुरुकुल है। गुरुकुल में हमें गंगा रूपी ज्ञान देने वाले हमारे प्रधानाचार्य, हमारे चेयरमैन, हमारे चीफ मेंटर हमारे राकेश जी, जिन्होंने हर समय हर वक्त एग्जीबिशन के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा हम लोगों को एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। हमारे 11 से 12 हज़ार एक्सपोर्टर हमारे EPCH से जुड़े हैं। हम लोग केवल एक उनके शाखा बन के काम करना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन है तो हम लोग हमेशा EPCH के साथ चलना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट श्री विजय सिंह जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। आज हमारा स्थापना दिवस भी है, तो हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सोशल एसोसिएशन है, हमारा लक्ष्य होता है कि समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 2030 तक 3 गुना एक्सपोर्ट करना, वो हम लोगों के सभी के सहयोग से होगा। बाइंग एजेंसी, एक्सपोर्टर्स, हम सब मिलकर करेंगे तभी होगा। हमें अपने समाज को आगे लेके जाना है, इसका यही तरीका है। इसमें केवल हम आज शुरुआत कर रहे हैं आज से CSR एक्टिविटीज़ की, क्योंकि ये भी हमें ज्ञान हमारे
आदरणीय, मैं तो उन्हें अपने संत और आचार्य ही कहूँगा, विशाल ढींगरा जी ने सुबह मुझे दिया और हम लोगों ने उसे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ हो तुरंत उसे लपक लेना चाहिए, तो हमने आज कमेटी में बातचीत करी। तो हम आज से एक CSR एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, एक वर्ष के अंदर अंदर हम लोग 2000 एंटर्न्स को जॉब दिलवाएंगे, ट्रेन करेंगे और अपने एक्सपोर्टर्स जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ जोड़ेंगे। ये सब मर्चेंडाइजर, डिजाइनर्स, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी हमारे पास इंटर्न्स आएंगे, हम लोग उसके लिए जल्दी ही एक रोड मैप बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। हम लोग कम से कम 2000 का एक प्रण लेते हैं, आज से एक वर्ष के भीतर हम ऐसे एक्सपोर्ट हाउस में देंगे ताकि उनकी भी एक जीवन सिस्टम अच्छा बन सके और एक्सपोर्ट हाउस में वो अपने इनपुट दे सके। दो बातें और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग देखिए विदेशों पे अपने बायर्स के बाइंग एजेंट्स पे डिपेंड है। हमें साथ में 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए भी हमें B2C अपना एक सिस्टम शुरू करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स B2C कर रहे हैं, उनके ब्रांड्स हैं। अगर हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हमें यह बहुत आवश्यक है, अगर हम अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी अगर अपने प्रोडक्ट देते हैं तो आपका मार्जिन, आपकी प्रोडक्शन, आपका टर्नओवर और इसके अलावा लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी शुरुआत हमने एक्सपो मार्ट से हम लोगों ने करी है। हमारे 900 वहाँ शोरूम हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें हमारे राकेश कुमार जी ने बहुत भरसक प्रयत्न करके हमारे मार्ट खुलवाने हमें शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग B2C के लिए सभी लोग आगे आए। इसके अलावा HSEW धीरे धीरे सभी शहरों में एक रिटेल फेयर का प्लान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस रिटेल फेयर में हम लोग आपके प्रोडक्ट आगे हमारे, क्योंकि हमारे देशवासियों को भी हक है कि आप जो इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं मेटल के, वुडन के, क्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, उनके परिवार में भी वो लोग वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। हम कम प्रॉफिट में बेचेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी इसका लाभ उठाएंगे। हम जल्दी से जल्दी इसका भी प्लान करेंगे कि हम कैसे इस रिटेल फेयर को आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल करें। तो दो सजेशंस मेरी और हैं सभी के लिए, क्योंकि ऐसा मौका था हमें कभी कभी मिलता है। आप सभी निर्यातकों से, बाइक एजेंसी से मेरा निवेदन है कि आप छोटे एक्सपोर्टर्स, स्टार्टअप, उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि छोटा एक्सपोर्टर जिसकी 2 या 4 करोड़ टर्नओवर है वो अति लघु उद्योग है, उसके पास स्कोप है आगे बढ़ने का, हम उसे मौका दें। हमारे एक्सपोर्टर से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे वेंडर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे आर्टिशंस, उनकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि समाज का अगर भला होगा, समाज एक साथ चलता है, अगर समाज में सभी लोग आगे जाएंगे तभी हमारा देश आगे जाएगा। हमें सभी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे अभी हमारे और भी भाषण होंगे तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।